सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो दोस्तों हर्ष बेनीवाल ने एजाज खान को अपना रिप्लाई दे दिया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मेरी पिछले वीडियोस में बताया था कि कैसे जब हर्ष बेनीवाल ने एजाज खान पर रोस्ट वीडियो बनाया तो एजाज खान काफी ज्यादा भड़क गए थे हर्ष बेनीवाल पर। वो हर्ष बेनीवाल के फैमिली के बारे में काफी कुछ उल्टा सीधा बोल दिए थे। ECL के दौरान जब हर्ष बेनीवाल का मैच था और मैच होने के बाद जब इंटरव्यूअर हर्ष बेनीवाल से सवाल कर रहे थे तो इंटरव्यूअर ने हर्ष बेनीवाल से एजाज खान के बारे में भी पूछ लिया और यही पूछने पर हर्ष बेनीवाल क्या कुछ कहते हैं आप देखिए। अच्छा लग रहा है यार, बहुत कॉम्पिटेटिव फील है। आई गेस एल्विश के माइंड में भी सेम चीज होगी, आज हराना है दूसरे को। अरे अच्छा रन मार रहे हैं यार, मेरे को लगता नहीं अभी कोई कैप्टन इतना अच्छा खेल रहा है। बहुत अच्छा खेला मेरा भाई। और बाकी आज की तैयारी कैसी है? एल्विश भाई से बात हुई मतलब क्या? नहीं अभी कोई बात नहीं हुई, मैच के बाद बात करेंगे। अभी भाई अगर आप बात करना चाहो तो अगर एजाज खान के बारे में इतनी आपने बहुत सवाल की वीडियो बनाई लेकिन इतने हद तक नीचे गिरना बहुत गलत था। मैं आपको बोलूंगा कि आई गेस हम ECL पे टॉपिक पे बात करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि अभी मेरी टीम ने मना करा है कुछ भी बोलने के लिए। भाई लेकिन फुकरा कह रहे हैं कि हर्ष भाई हार जाएंगे तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। नहीं यार, मैं फुकरा क्यों तोड़ना चाहूंगा। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि हर्ष बेनीवाल को एजाज खान के बारे में पूछा गया तो हर्ष बेनीवाल ने इसे इग्नोर कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं पूरव झा के बारे में। तो दोस्तों क्या पूरव झा की शादी होने वाली है? ऐसा मैं नहीं बल्कि पूरव झा ने खुद यह बात बताई है। इस वीडियो में आप देखिए क्या चल रहा है ये सब। ये शादी की तैयारियां चल रही है क्या? तो एकदम शादी वाला माहौल रखा है, देखो सारे कपड़े बिखरे हुए हैं एक नंबर। तो मतलब आप कर रहे हो? और हिंट ये दे देता हूँ कि आपकी जो भाभी है सर्जन है। सर्जन 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 दिमाग दिमाग का सर्जन दिमाग की दिमाग नहीं नहीं नहीं, नहीं। दिल दिल की सर्जन दिल की सर्जरी करती है तेरी। तो चलिए बात कर लेते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो दोस्तों पुनीत सुपरस्टार सपोर्ट कर रहे हैं एजाज खान को। जी हां दोस्तों, एक तरफ सारे लोग एजाज खान को नहीं बल्कि हर्ष बेनीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एजाज खान ने अपनी वीडियो में हर्ष बेनीवाल के फैमिली के बारे में गंदी गंदी बातें कर दी थी और सम्राट भाई ने भी एजाज खान से कह दिया था कि इसे जेल भिजवा के रहूंगा। तो पुनीत सुपरस्टार एजाज खान को सपोर्ट करते हुए क्या कहते हैं आप देखिए। दोस्तों इस छपरी का पहले वीडियो देखो कि ये किस तरीके से एजाज खान को जो है नाजायज औलाद बोल रहा है। वीडियो देखो। तो आइए मिलवाते हैं आपको नाजायज खान से। ए, ओची लोग नाजायज खान ओची। यू मीन ओजी लोग हा? नहीं रे मेरे दोस्तों, ये हर्ष बेनीवाल और इसकी ये छपरी टीम एजाज खान को नाजायज औलाद बोल रहे हैं। फिर एजाज खान ने इन्हें ट्रोल कर दिया, इन्हें रोज कर दिया तो इनकी फुक गई और अब ये एजाज खान को धमकी दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस वीडियो में एक एक पुलिस वाले को टैग करो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को टैग करो कि पहले हर्ष बेनीवाल और तीनों ने जो है एजाज खान को नाजायज औलाद बोला, पहले इन तीनों ने मिलकर गालियां दी और अब ये एजाज खान को धमकी दे रहे हैं। बेटा उकसाया तुम लोगों ने एजाज खान को, अब एजाज खान के पीछे ना पुनीत सुपरस्टार खड़ा है। अब डाल के दिखाओ तुम कोई भी एजाज खान के ऊपर वीडियो, फिर मैं तुम लोगों को दिखाता हूं कि पुलिस की पावर क्या होती है और सरकार की पावर क्या होती है। क्योंकि हिंदुस्तान में पुलिस से बड़ा कानून कोई नहीं है और सरकार से बड़ा कोई नहीं है। अब करके दिखाओ एजाज खान को, पहले तुम लोग ट्रोल करती हो, पहले तुम लोग उसे नाजायज औलाद बोलती हो, फिर एजाज खान को तुम धमकी देते हो कि हम तुम पे केस कर देंगे। अब तुम एजाज खान को दिखा के दिखाओ, मैं एजाज खान के पीछे खड़ा हूं, मैं बोलूंगा एजाज खान के सपोर्ट में। ये वीडियो हिंदुस्तान की एक एक पुलिस तक जाना चाहिए। इस वीडियो में पुलिस वालों को इतना टैग करो ताकि इन तीनों छपरियों की हरकत पता लगे कि इन्होंने एजाज खान की कैसे धज्जियां उड़ाई हैं। एजाज खान को पहले इन्होंने गालियां दी है ना कि एजाज खान ने इनको। तो दोस्तों अगर आप पुनीत सुपरस्टार के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पढ़ोगे तो आपको सारे हेट कमेंट्स देखने को मिलेंगे और कई लोग पुनीत सुपरस्टार को बैकलैश दे रहे हैं। वैसे पुनीत सुपरस्टार के बारे में आप क्या कहना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस को जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि फुकरा इंसान की टीम बैंगलोर बैचलर्स ECL में अपने सारे मैचेस हारते हुए आ रही है। लेकिन दोस्तों कल जो है फुकरा इंसान की टीम अपना पहला मैच जीत लेती है और फुकरा इंसान भी इस मैच में काफी अच्छा खेलते हुए नजर आए। फुकरा इंसान ने 5 बॉल में 5 छक्के मार दिए। लेकिन दोस्तों फुकरा इंसान की टीम जब अपने पहले चारों भी मैच हार चुकी थी तो फुकरा इंसान को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा था। लेकिन कल जब वो अपना पहला मैच जीती है और इस मैच के बाद जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में फुकरा इंसान अपने सारे सवालों के जवाब देते हैं। फुकरा इंसान क्या कुछ कहते हैं आप देखिए। आप तब भी पार कर सकते हो। अभिषेक बहुत सारी सोशल मीडिया पर बातें चल रही थी, आपकी टीम लगातार मैचेस हार रही है, आप तब खामोश रहे, अभिषेक ने काफी कुछ कहा, आप तब भी खामोश रहे, लेकिन कल आपने इंस्टा स्टोरी डाली
जिसमें आपने कहा कि जो आपके प्लेयर्स हैं आपकी फैमिली इनको लेकर के कुछ मत कहो, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आफ्टर द लास्ट मैच हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, बिकॉज यार दे हैव बीन वर्किंग अलॉट, मतलब इतना उन्होंने हार्ड वर्क करा, दो महीने से देवर लाइक प्लेइंग रेगुलरली, तो दीज जो रिजल्ट्स आए देवर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, मतलब हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन बाकी सारी टीम के प्लेयर्स ने आके बोला कि यार यू हैव सच अ गुड साइड, फिर भी वो मतलब एक वो पुल ऑफ नहीं कर पा रहे, एक विन पुल ऑफ करने की देरी थी, बट आई होप फॉर द बेस्ट। बाकी जहाँ तक बात आई किसी ने कुछ बोला किसी ने कुछ गला, सब बोलते हैं, हमने बोलने की आदत नहीं, इसलिए हम चुप रहे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना।